यस गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड पार्ट 11 मौसम कंप्लीट हो गया। प्रश्न 1 और 2 कल मैंने आपको करने को दिया था कॉपी में, किया आप लोगों ने? चैप्टर कंप्लीट होते ही कॉपी स्कूल में डिपॉजिट करवाएंगे चेकिंग के लिए, ठीक है। अब आती है प्रश्न 3 की बारी, आज हम करते हैं इसका प्रश्न 3। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सही और गलत का निशान लगाना है। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे सही वह गलत का निशान लगाइए, ठीक है। यानी कि जो वाक्य अगर सही है तो उसमें सही लगाएंगे और अगर कोई वाक्य गलत है तो उस पर आप गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। पहला है इसमें का सब दिन एक जैसे होते हैं, सब दिन एक जैसे होते हैं। सब दिन एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। किसी दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत ठंड होती है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, अलग अलग होते हैं ना। सब दिन एक जैसे थोड़े होते हैं। तो इसमें लिखा है सब दिन एक जैसे होते हैं, तो सही है क्या ये? नहीं, ये गलत है। तो पहले पे आप गलत का चिन्ह लगाइएगा। दोपहर को सूरज की किरणें हमारे सिर पर सीधी पड़ती हैं। दोपहर को सूरज की किरणें दिन में जब होता है, दिन जब होता है तब हमारे सूरज की जो किरणें होती है वो हमारे सिर पर सीधी पड़ती है। ये सही है क्या? सीधी पड़ती है ना, ये सही है। दिन में जो होता है सूरज बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है तो उसकी किरणें सीधे हमारे सिर पर पड़ती है, तो दूसरा सही है। ख जो है आप गैप पे आइए, यदि हवा गर्म है तो मौसम भी गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि हवा गर्म है, अगर गर्म हवा चल रही है, गर्म है तो कॉमा लगा के तो मौसम भी गर्म हो जाएगा। हो जाएगा क्या गर्म? हाँ सही है ये। अगर हवा गर्म है तो मौसम भी कैसा हो जाएगा? गर्म। यदि हवा गर्म है तो मौसम भी गर्म हो जाएगा। अब आइए घर पे, जाड़े की ऋतु में वर्षा होने पर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। ये भी सही है। जाड़े की ऋतु में यानी सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में क्या? वर्षा। वर्षा होने पर, अगर सर्दी में बारिश हो गई है तो मौसम ठंडा हो जाएगा, मौसम ठंडा हो जाता है। सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जाड़े की ऋतु में अगर सर्दी सर्दी के मौसम में बारिश हो गई तो मौसम ठंडा हो जाता है। डेप आइए, गर्म मौसम में हमें कम पसीना आता है। गर्म मौसम में यानी गर्मी में हमें कम पसीना आता है, कम पसीना आता है। सही है ये? गर्मी में कम पसीना आता है क्या? ये गलत है। गर्मी में तो ज्यादा पसीना आता है। अब आइए आप चल पे, किसी स्थान के वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। सही है ये बिल्कुल। किसी स्थान, कोई भी जो जगह है के वायुमंडल की दशा है कि आसपास में कैसा वायु का घेरा कैसा है, वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं, को मौसम कहते हैं। सही है कि ये? हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इस पर सही बताएंगे। और लास्ट है आपका 6, वर्षा मौसम पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। वर्षा मौसम पर
कोई प्रभाव नहीं डालती है। सही है क्या ये? कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या बारिश का मौसम पे? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बारिश होने से तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो मौसम पे प्रभाव पड़ा। इसमें लिखा हुआ है वर्षा मौसम पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, तो ये गलत है। तो ये आपके कितने हो गए? छह सही गलत हो गए। अब आपको क्या करना है, ये छह के छह आपको ऐसे कैसे अपनी किताब में भी कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी आपको सभी को ये क्वेश्चन करना है। अगला प्रश्न जो चार है उसको हम हमारे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।